हे गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए जंक्शन। ये हमारी वीडियो सीरीज फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 13th लेक्चर है, जिसमें हम अपना चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस देखा था, अब हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टार्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस पूरा का पूरा सिमिलर है टू दैट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दो चीज़ें जो मेन आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है, कॉस्ट के अंदर दो चीज़ें निकलती है, वहाँ पे प्राइस निकल रहा था और एक आपका निकल रहा था यूसेज। प्राइस की जगह रेट ले लिया गया है, यूसेज की जगह एफिशिएंसी ले ली गया। ठीक है, फिर उसके बाद इस जो यूसेज है उसका भी दो डिविजन होता था, एक होता था मिक्स, एक होता था यील्ड। यहाँ पे भी आपका एक मिक्स है, एक यील्ड है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हुई है, दैट इज आइडल टाइम वेरियंस। आइडल टाइम वेरियंस क्या है, देखिए वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं, ऑफकोर्स ही बात है कुछ ना कुछ उनका आइडल टाइम भी होता होगा, जैसे कि 6 घंटे वो ऑफिस में रहते हैं और मीन्स लेबर अपना वर्क करते हैं। लेबर वर्क करने के बाद 6 घंटे में से कुछ ऐसा तो टाइम होगा ना जो उन 6 घंटे में ब्रेक लेते होंगे। ठीक है, तो 6 घंटे में जो ब्रेक है वो उनका आइडल टाइम कहलाएगा। अब देखिए डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस अगर सबसे पहले स्टार्ट करें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस से, तो कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड आर और स्टैंडर्ड रेट लिया जाएगा और एक्चुअल आर और एक्चुअल रेट से इसको डिडक्ट किया जाएगा। वहाँ पे हम एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड प्राइस लेते थे मटेरियल में, क्वांटिटी की जगह यहाँ पे आर यूटिलाइज किया गया है और प्राइस की जगह हम उसको रेट यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस निकालें तो स्टैंडर्ड रेट है मतलब आप क्या करेंगे, रेट के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, एक्चुअल आवर्स को बेस लिया जाएगा। सिमिलरली लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दैट इज यूसेज वाला है, तो यहाँ पे क्वांटिटी की जगह आवर्स यूटिलाइज हो रहा है, इसलिए स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। फिर लेबर मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। ठीक है, आइडल टाइम वेरिएंस क्या है इसको देख लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क। ये क्या है, देखिए हमको हमारे यहाँ लेबर्स 8 घंटे काम करने आते हैं। ठीक है, 8 घंटे काम करने आते हैं, उसमें से हाफ आवर उनका ब्रेक रहता है, ये जो हाफ आवर ब्रेक है उसका हम यहाँ पे वेरिएंस निकाल रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड, कितने आवर्स के लिए आप पे कर रहे हैं, तो पूरे 8 घंटे के लिए आपको पे करना पड़ेगा, भले वो आधे घंटे का उसमें ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो भी रेट है उससे एक्चुअल आवर्स पेड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कर दीजिए स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क। 7.5 घंटे एक्चुअल में वर्क हुआ है, 8 घंटे वो आते थे, 7.5 घंटे वर्क हुआ है, तो उसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपको 0.5 जो आपका आर है उसका रेट पता चल जाएगा। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि स्टैंडर्ड रेट में से जो आइडल टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली, वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम मिक्स और यील्ड में और साथ साथ बाकी सबको भी इन डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं पांचों, दैट इज आइडल टाइम को छोड़ के बाकी सारे हमारे वेरिएंसेस। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर, जैसा हम नॉर्मल उसमें करते थे, किसमें मटेरियल में, सेम वही चीज़ करना है आपको। स्टैंडर्ड रेट को एस आर से डिनोट किया जाएगा, स्टैंडर्ड आर को एस एच से, एक्चुअल रेट ए आर, एक्चुअल आर ए एच। ठीक है, तो एस आर एस एच माइनस ए आर ए एच हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस अगर आप देखें तो यहाँ पे रेट है तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट लिया जा रहा है और यहाँ पे बेस किसको रखा जाएगा, एक्चुअल आर को, रेट के टाइम पे आर को, या फिर प्राइस रहेगा तो क्वांटिटी मटेरियल के लिए, मटेरियल के लिए यहाँ पे प्राइस रहता है तो हम एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं। एस आर माइनस ए एच इंटू सॉरी एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच इज इक्वल टू एस आर ए एच माइनस ए आर ए एच, यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। यहाँ पे मटेरियल में यूसेज वेरिएंस बोला जाता था और क्वांटिटी लिया जाता था, यहाँ पे एफिशिएंसी बोला जा रहा है और आर लिया जा रहा है, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट को कैसे लिखा जाएगा, एस आर एस एच माइनस एस आर ए एच। नेक्स्ट आता है मिक्स वेरिएंस, यहाँ पे मिक्स वेरिएंस को गैंग वेरिएंस भी बोला जाता है और कंपोजिशन वेरिएंस भी बोला जाता है, तो इन नामों को ध्यान रखिएगा मिक्स वेरिएंस के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूटिलाइज किया जाता है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर
माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट सेम रहेगा जो यूसेज में यूटिलाइज हुआ है, बस यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड आर और एक्चुअल आर रहेगा। और यहाँ पे डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस में स्टैंडर्ड आर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। रिवाइज स्टैंडर्ड आर को आरएसएच माइनस एक्चुअल आर को एएच से डिनोट किया जाएगा, तो फॉर्मूला आपका एसआर आरएसएच माइनस एसआर एएच, और यहाँ पे एसआर एसएच माइनस एसआर आरएसएच, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हम यहाँ पे कितने सारे फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो पहले हम निकाल रहे हैं एसआर एसएच जो कि यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है, तो तीन जगह हम एस आर एस एच को यूटिलाइज करने वाले हैं। फिर हम ए आर ए एच निकाल रहे हैं जो कि यहाँ और यहाँ यूटिलाइज होने वाला है। नेक्स्ट हम एस आर ए एच निकाल रहे हैं जो कि यहाँ, यहाँ और यहाँ, तीन जगह यूटिलाइज होगा। और लास्ट हम एस आर आर एस एच निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आपको चार चीज़ें फाइंड आउट करनी है, दैट इज एस आर एस एच, ए आर ए एच, एस आर ए एच एंड एस आर आर एस एच, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है ताकि हम लेबर वेरिएंस निकाल सकें। तो अगर आप ये चारों चीज़ें फाइंड आउट कर लें तो बाकी चीज़ें हमारे लिए ईजिली हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलिए लेबर वेरिएंस के क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखिए आपका बुक का। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड लेबर कॉम्प्लीमेंट एंड द एक्चुअल लेबर कॉम्प्लीमेंट इंगेज इन अ वीक फॉर अ जॉब आर एज वंडर। हमको स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिटेल दिया हुआ है। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे गैंग में कितने हैं, स्किल्ड है 32, सेमी स्किल्ड है 12, अनस्किल्ड है 6। जैसे मटेरियल के लिए ए बी सी मटेरियल हुआ करता था, उसकी जगह लेबर में क्या है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, ठीक है। इनका वेज रेट आपको दिया हुआ है, मतलब प्राइस पर यूनिट जो मटेरियल का दिया हुआ होता था, ये आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड। सेम एक्चुअल का भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे कितने हैं, 28, 18 और 4, और एक्चुअल वेज रेट उनको कितना दिया जाता है। अब देखिए ड्यूरिंग द 40 आवर वर्किंग वीक, देखिए आपके पास 32 वर्कर हैं स्किल्ड वाले जो कि 40 आवर्स काम कर रहे हैं, मतलब टोटल इनका आवर देखा जाए तो कितना हो गया, 32 इंटू 40 दैट इज 1280। सिमिलरली ऐसे करके आपको इनका आवर्स निकाल लेना है, क्योंकि हमको नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, यहाँ पे आवर चाहिए। जैसे वहाँ पे क्वांटिटी चाहिए थी, यहाँ पे आपको आवर्स चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको दिया हुआ है कि गैंग ने एक्चुअली में कितना प्रोड्यूस किया, 1800 स्टैंडर्ड लेबर आर का वर्क यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। आपको सारे लेबर वेरिएंसेस यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो हम इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, जैसा आप मटेरियल का करते थे सेम वैसे ही यहाँ पे करेंगे। अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सबसे पहले हमको स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो दिया हुआ है, और कितने आवर्स वो काम कर रहे हैं, 40 आवर्स, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड आर कैलकुलेट करवाए तो हमको नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्किल्ड के लिए देखिए स्टैंडर्ड है हमारा 32 मल्टीप्लाइड बाय 40, दैट इज इक्वल टू 32 इंटू 40 इज इक्वल टू 1280 आवर्स यहाँ पे आ रहे हैं। नेक्स्ट वैसी सेमी स्किल्ड के लिए आप निकाल लीजिए तो 12 इंटू 40 इज इक्वल टू 480, एंड हमारे पास अनस्किल्ड है 6 इंटू 40 इज इक्वल टू 240, ठीक है। एक्चुअल के लिए भी आपको दिया हुआ है, एक्चुअल हमने लगाया है स्किल्ड वर्कर्स 28 इंटू 40 इज इक्वल टू 1120। सिमिलरली सेमी स्किल्ड हमने एक्चुअल में लगा 80 इंटू 40 इज इक्वल टू 720, एंड हमने अनस्किल्ड लगाए 4 इंटू 40 इज इक्वल टू 160, ठीक है। टोटल कीजिए तो टोटल अगर हम देखें तो यहाँ 2000 आ रहा है, यहाँ 2000 आ रहा है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में एट लास्ट आपको बोला गया है कि एक्चुअल में हमने 1800 वर्किंग आवर्स स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोड्यूस किए हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमको कुछ लॉस हो गया है, आर्ट्स का कितना लॉस हुआ है, 200 का लॉस हो गया, 1800 हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किया। अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं तो स्टैंडर्ड में कोई लॉस नहीं होने वाला था, पूरा 2000 का बेनिफिट आपको मिलता, लेकिन एक्चुअल में हमने 2000 आवर्स तो रहे हैं लेकिन उसमें से सिर्फ 1800 एक्चुअल में काम हुआ है, 200 आवर्स काम नहीं हुआ है, किसी भी कारण से आपका काम रुक सकता है, ठीक है। तो इन दैट केस अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी ऑफ जो अमाउंट है ये आर जो है यहाँ पे सेम है, ठीक है, लेकिन ये आपका क्या इक्वल है एक्चुअल जो भी वर्क हुआ है उससे,
नहीं है, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर। रिवाइज स्टैंडर्ड आर आपने जितने भी वर्कर्स लगाए उनका टोटल जो अमाउंट है वो अगर आ रहा है तो ये आपका रिवाइज कहलाता है। एक्चुअल स्टैंडर्ड आर्स क्या होंगे, जब आप 1800 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे जो कि एक्चुअल आया है हमारा वर्क, ठीक है। तो 1800 के हिसाब से, और डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से करेंगे आप, स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो देखिए, अगर आप स्टैंडर्ड में 2000 आपको प्रोड्यूस करना है टोटल, तो उसके लिए 1280 हमको स्किल्ड वर्कर्स का आर चाहिए। तो 1280 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय आपका एक्चुअल का हमारा कितना आ रहा है, 1800। इसको कैलकुलेट कर लेते तो ये आपकी वैल्यू आएगी 1152। इसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख के रखा है, वही फॉर्मूले को मैंने यूटिलाइज करके वो आपको सॉल्व करके बताया, फर्स्ट वाला, ठीक है, स्किल्ड वाला। हमने क्या किया, हमने लिया उस पर्टिकुलर वर्क का RSH डिवाइडेड बाय टोटल RSH कितना था, 2000, और एक्चुअल आर्स हमने कितने वर्क किए, 1800 इज इक्वल टू 1152। सेमी स्किल्ड के लिए भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। सेमी स्किल्ड है हमारे पास 480, ठीक है, RSH जो है 2000, हमारा टोटल है 1800, हमारा टोटल ऑफ एक्चुअल वर्क आर है, तो ये आपका 432 आएगा। अनस्किल्ड का भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, 240 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 1800 इज इक्वल टू 260। तो ये वैल्यूज हमारी आएंगी स्टैंडर्ड में, 432 एंड 216 टोटल करेंगे तो आपका 1800 आएगा। ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर क्यों है, क्योंकि जितना आपने एक्चुअल आर के लिए प्रोड्यूस करने के लिए क्वांटिटी ली है, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड आर। स्टैंडर्ड आर किसको बोला जाता है, स्टैंडर्ड आर मतलब जो कि एक्चुअल वर्क के लिए आप स्टैंडर्ड्स निकालते हैं उसको हम स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल वर्क बोलते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड की जगह यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो अब आएगा हमारा एनालिसिस, तो एनालिसिस करते हैं हम, उसके लिए हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो करेंगे। यहाँ पे आप मटेरियल लिखा करते थे, अब यहाँ पे आएगा लेबर, यहाँ पे आएगा आपका स्टैंडर्ड डाटा, यहाँ हम शो करेंगे एक्चुअल डाटा, और जो आपका रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर है उसको हम यहाँ शो करेंगे, ठीक है। यहाँ आप आर शो कीजिए, यहाँ रेट शो कीजिए, और यहाँ टोटल, आर रेट एंड टोटल। अब अगर आप देखें तो हमारे पास लेबर तीन टाइप के हैं, पहला है स्किल्ड, दूसरा है सेमी स्किल्ड, तीसरा है अनस्किल्ड। इनका स्टैंडर्ड लीजिएगा, स्टैंडर्ड आर बोला गया तो स्टैंडर्ड वाला जो हमारा वैल्यू है हम बोलेंगे 1152, 432 एंड 216, टोटल इज 1800। रेट हम कौन सा लेंगे, रेट एज पर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का रेट आपको कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेट इज फॉर स्किल्ड 3, सेमी स्किल्ड 2 एंड अनस्किल्ड के लिए 1 है, ठीक है। टोटल कर लीजिए तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 1152 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 3456। 432 इंटू 2 इज 864 एंड 216 इंटू 1 इज 216, टोटल इज 4536 आपका यहाँ पे वैल्यू आएगा, ठीक है। अब एक्चुअल का देखें तो एक्चुअल हमारा कितना है, 1120, 720 एंड 160, दैट इज इक्वल टू 2000। रेट आपका कितना है, रेट है यहाँ पे 4, 3 एंड 2। इसकी वैल्यूज अगर आप कैलकुलेट करें तो 4480, 2160 एंड 320, दैट इज इक्वल टू 6960। सिमिलरली रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर हमको दिया हुआ है, दैट इज रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर कितना है, 1280, 480 एंड 240, दैट इज इक्वल टू 2000। ये सिर्फ आर्स हमने यहाँ पे शो किए हैं। अब कंप्यूटेशन करना है हमको रिक्वायर्ड वैल्यूज का, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास लेबर, हमको चार चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती है, SRSH, ARAH, SRAH एंड SRRSH, है ना। ये चार चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है फॉर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। SRSH दैट इज इक्वल टू, इसका टोटल हमने यहाँ निकाल दिया है, 3456, 864 एंड 216, दैट इज इक्वल टू 4536।
ARHS AH भी हमने निकाल लिया, ARAH का मल्टीप्लिकेशन दैट इज इक्वल टू 4480, 2160 एंड 320 दैट इज इक्वल टू 6960. SRAH दैट इज स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आर, तो 1120 इंटू 3, 720 इंटू 2 एंड 160 इंटू 1. इसको कैलकुलेट करें तो ये आपका आएगा 3360, 1440 एंड 160, टोटल इज 4960. SRRSH का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 3 इंटू 1280, 2 इंटू 480 एंड 1 इंटू 240, टोटल इज यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा 240, 960 एंड 3840. टोटल कर लीजिए आपका अमाउंट आएगा 5040. अब ये सब निकालने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, हमने क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट की है उनको बता दीजिए कि SRSH क्या है, SRRSH क्या है, SRAH एंड ARAH. फिर उसके बाद हम इसके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरियंस से स्टार्ट करें. तो लेबर कॉस्ट वेरियंस क्या होता है, SRSH माइनस ARAH दैट इज वैल्यू आपकी SRSH की वैल्यू है 4536 एंड ARAH की वैल्यू है 6960. दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखें तो ये आपका आएगा 2424 दैट इज 2424 और ये आपका एडवर्स में आ रहा है क्योंकि वैल्यू यहाँ पे माइनस में आ रही है. नेक्स्ट रेट वेरिएंस. रेट वेरिएंस कैसे निकलता है, हम रेट्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं और एक्चुअल आर को हम यहाँ पे बेस लेते हैं. तो स्टैंडर्ड आर एक्चुअल आर माइनस एक्चुअल रेट एक्चुअल आर, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आर माइनस एक्चुअल रेट एक्चुअल आर. इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये आपका वैल्यू आएगा 4960 हमारा स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आर आया है वैल्यू, ठीक है, और आपके पास ए आर ए एच की वैल्यू आई है 6960. इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आपका 2000 का यहाँ पे डिफरेंस है जो कि एडवर्स है. नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी वेरिएंस. एफिशिएंसी के लिए हम क्या लेते हैं, एक्चुअल और स्टैंडर्ड आर्स के बीच में डिफरेंस और रेट हमारा कौन सा रहता है, स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आर माइनस स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आर. स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आर है हमारा 4536, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आर है 4960. इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखें तो ये आपका 424 का डिफरेंस आएगा जो कि एडवर्स में है. अब मिक्स वेरिएंस का अगर आप निकालें तो मिक्स वेरिएंस के लिए हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड रेट रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर माइनस स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आर, और यहाँ पे हम लेते हैं स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आर और स्टैंडर्ड रेट रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर. यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करें तो स्टैंडर्ड रेट रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर की वैल्यू है हमारी 5040 एंड स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आर इज 4960. इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आपका आएगा 80 और ये आपका फेवरेबल है. अब इसके बाद हमारे पास लास्ट बचता है एफिशिएंसी. सब एफिशिएंसी किसको बोला जाता है, जो कि आपका यील्ड वेरिएंस है, ठीक है, यील्ड वेरिएंस को हम सब एफिशिएंसी भी बोलते हैं. इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 4536 आएगा माइनस 5040 दैट इज इक्वल टू ये आपका आएगा 504 एडवर्स, ठीक है. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ हो कि कैसे हम लेबर वेरियंसेस को कैलकुलेट करेंगे. इसके बाद अगर आप चेक करें तो हमने लेबर वेरिएंस का एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया जो कि इजी था. इसमें कुछ भी हमारा ऐसा नहीं था कि जो हम सॉल्व नहीं कर सकते. अगर आपने मटेरियल को सही तरीके से समझा है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं. अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 9, जिसमें हम मटेरियल और लेबर वेरियंसेस दोनों को एक साथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. बस जो आपने दोनों में अलग अलग चीज़ें लगाई है बस दोनों को आपको एक साथ फॉलो करना है. इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, एक बार खुद से आप इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा. अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे. आज की क्लास हम यही एंड करते हैं. आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो. अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स.
और एक और चीज़ मुझे आपको बताना था, जब हम ये 5 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कर लेंगे रिलेटेड टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद मैं आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। फिर जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट करेंगे तो हम उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी नोट्स ले लेंगे। और हमारा ये जो सिलेबस है रिलेटेड टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो दिसंबर 2019 एग्जाम से ही रिलेटेड है और आपका ये उससे पहले ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।